नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका खबर दोपहर में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग देखने को मिल रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे नाराज कांग्रेस के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस और सपा के बीच चल रहे घमासान के बीच एक पोस्टर चर्चा में आ गया है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर ने बड़ा सियासी संदेश दिया है, जिसमें इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी ने पोस्टर के जरिए बदला है यूपी बदलेंगे देश का संदेश दिया है। बताया जा रहा है कि सपा नेता जयराम पांडे की ओर से लगाए गए पोस्टर में दिखाया गया है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और इस पोस्टर में सपा शासन काल की उपलब्धियों को भी दिखाया गया है। साथ ही दूसरे पोस्टर में अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर दो पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके तमाम अलग अलग सियासी संदेश निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये INDIA के लिए भी एक संदेश है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जा रहा है। तो ये सियासी वार पलटवार के बाद अब पोस्टर वार चलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर दो पोस्टर लगाए गए हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। तो ये समाजवादी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगवाए हैं। और इसके बाद दूसरे पोस्टर में आप देखिए लिखा हुआ है बदला है यूपी बदलेंगे देश, और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकाल की सारी उपलब्धियां इसमें दिखाई गई हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये दो पोस्टर लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इसी के बीच अब पोस्टर वॉर भी किए जा रहे हैं, जिस तरीके से INDIA गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी देखी गई थी सीटों को लेकर, अब वहीं पर पोस्टर लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ ये सियासी संदेश इसके मायने निकाले जाएं जिस तरीके से दो पोस्टर लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर? देखिए नंदनी, संदेश समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का साफ है कि उत्तर प्रदेश में कुछ 80 लोकसभा सीटें हैं जिससे समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और जहां तक बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के इस पोस्टर और बैनर से ये संदेश जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के लिए जो गहमागहमी अगर बात करें इंडिया गठबंधन में होती रहती है, जिस तरीके को लेकर कोई राहुल गांधी का नाम हुआ बुलंद करता है, कोई नीतीश कुमार का नाम बुलंद करता है, तो इस लिस्ट में अब अखिलेश यादव का भी नाम शामिल हो चुका है। उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, अब वो उनका नाम जो है वो प्रधानमंत्री पद की रेस में देखना चाहते हैं। अगर बात करें तो इस बार INDIA गठबंधन के दर्जनों राजनीतिक दल देश के अलग अलग हिस्से के NDA के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है जो टक्कर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को और कुल 80 लोकसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर पटखनी दे सकती है। और साफ तौर पर बात करें समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा और सतलोक संत्यान का ये कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि पिछले कुछ उपचुनाव और चुनावों को मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं देखा गया कि घोसी उपचुनाव में जीत मिली, मैनपुरी में एक बड़ी जीत मिली, खतौली की अगर बात करें तो वहाँ समाजवादी पार्टी का अलायंस जीत गया। ऐसे में ये जो बड़े नेता है कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं। और उसी तरीके से अगर बात करें तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि INDIA गठबंधन में जो रार चल रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो उसको एक अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं अब ये सियासी संदेश यानी कि INDIA गठबंधन के लिए है कि समाजवादी पार्टी का साथ जरूरी है। और देखिए वहीं पर एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने नेता को भावी प्रधानमंत्री बता रही है, कांग्रेस वहीं राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताती है। जी
बिल्कुल, अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो अपने अपने नेताओं को आगे रखते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम जो है लेते रहते हैं, और कहा भी जाता है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो नीतीश कुमार के द्वारा रचा जाता है। लेकिन अगर बात करें तो वही कांग्रेस राहुल गांधी का नाम पिछले 10 सालों से ले रही है प्रधानमंत्री पद के लिए। अब इस फेहरिस्ट में साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने भी एंट्री ले ली है, साथ ही साथ संचार ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से अगर बीते सालों की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, कुछ सरकम ट्रांसेस ऐसे बने कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है इस चुनाव को जीतने के बाद कि अखिलेश यादव एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में सामने आए और अगले भावी प्रधानमंत्री बने। जी, तो यानी कि समाजवादी पार्टी ये बात कहने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश का ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए INDIA गठबंधन में। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट संदेश है और जिस तरीके से इन पोस्टरों बैनरों पर लिखा गया है कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश, साथ ही साथ अगर बात करें तो भावी प्रधानमंत्री जन्मदिवस के दिन पर शुभकामनाएं देकर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। तो अब कार्यकर्ताओं के अलावा जो प्रवक्ता है, जो पार्टी के बड़े नेता है, वो भी इन बातों को दोहरा रहे हैं और कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीटों पर मजबूती से समाजवादी पार्टी के लड़ने की बात कर रहे हैं। और साफ तौर पर इनके प्रवक्ताओं और बड़े नेताओं का कहना है, रविदास मल्होत्रा ने हमसे बातचीत की, उन्होंने खास तौर पर प्राइम टीवी से बातचीत में बताया कि आने वाले समय में अखिलेश यादव एक अच्छे विकल्प है प्रधानमंत्री के लिए और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जरूर हराएगी। लेकिन ये अपने अपने जो है पार्टियां अपने अपने भावी प्रत्याशियों को बता रही प्रधानमंत्री के पद के लिए, लेकिन देखिए INDIA गठबंधन में अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया कि आगे प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहेगा। लेकिन वही इसी बीच देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर पलटवार भी किया जाता था, कहीं ना कहीं इसको लेकर तंज भी कसा जाता था कि बिन दूल्हे का ये बारात है। देखिए अगर बात की जाए तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप या फिर कटाक्ष जो है वो राजनीतिक गलियारों में लगते रहते हैं। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री तब INDIA गठबंधन से कोई बनेगा जब INDIA गठबंधन 272+ का जो आंकड़ा है, बेस कीमती आंकड़ा, उसको पार करेगा। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस आंकड़े को पार किया है और बेहतर तरीके से पार किया है। NDA की सरकार है, 10 साल पूरे होने वाले हैं इस सरकार को और तीसरी बार NDA अपनी सरकार बनाने की जुगत में लगा है। अगर बात करें तो कुल 26 राजनीतिक दल एक साथ इस बार आए हैं NDA के तिलिस्मत को तोड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो MP में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बिजरार हुई, इसके अलावा अगर बात करें तो जो 5 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी समीकरण कुछ अलग प्रकार के बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले इस गठबंधन का नेता होना पड़ेगा और सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है, प्रधानमंत्री अगर बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का चुना जाता है। तो आसान नहीं होने वाला समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए। अगर बात करें INDIA गठबंधन का तो जिस तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, क्या लगता है आगे चलकर क्या होने वाला है? चलकर क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, पार्टी कार्यालय के अंदर बैठक चल रही है, मध्य प्रदेश में रणनीति को लेकर तमाम बातचीत हो रही है, तमाम वरिष्ठ नेता अंदर मौजूद हैं, रविदास मल्होत्रा अंदर मौजूद हैं और ये जो बैठक है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, समाजवादी पार्टी की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। हमने देखा था कि कल भी लगातार बैठक चली थी, आज भी बैठक चली है और शाम तक इस बैठक का निर्णय निकल के आ सकता है कि मध्य प्रदेश सहित और भी बाकी राज्यों में या फिर उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि लगातार अगर बात करें तो प्रशिक्षण शिविर जिलावार चलाया जा रहा है जिसमें अखिलेश यादव खुद जाके भाग ले रहे हैं, 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा है, हरदोई में प्रशिक्षण शिविर लगा, शाहजहांपुर में प्रशिक्षण शिविर लगा। अब बात करें तो लगातार सक्रियता लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी दिखा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपसी खींचतान बढ़ती जा रही है। इस दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय दिल्ली दौरे पर पहुंचे जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। माना जा रहा है कि सपा के साथ गठबंधन को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं जहाँ सपा के साथ गठबंधन चुनावी और तैयारियों पर चर्चा भी होगी।
तो दिल्ली दरबार में आज यह राय की आज हाजिरी लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली जाएंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। किस तरह सभी ने देखा कि INTI गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लगातार वार तकरार चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है। इसी के बीच लगातार वार पलटवार हुए, निजी टिप्पणियां भी की गई। अब कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि क्या वाकई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटेगा या फिर से गठबंधन किया जाएगा या तमाम तरह की रणनीति ऐसे तैयार किए जाएंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए तमाम तरह की जो रणनीति बनाई जाएगी वो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जाएंगे और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अजय राय का आज दिल्ली दौरा है। वहाँ पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी मुलाकात हो सकती है। मुलाकात के तमाम मायने भी है, जिस तरह से अभी हाल में हमने देखा है कि चुनावी जगह यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीत कर लेती है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, उनको सीटें नहीं दी गई, उसके बाद समाजवादी पार्टी द्वारा वहाँ पर 33-85 तार दिए गए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर चुनावी जंग की, यहाँ पर कांग्रेस बागेश्वर की हार को यहाँ पर बता रही थी। तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी द्वारा कांग्रेस को ये कहा जा रहा था कि हमको हल्का ले रहे हैं, गंभीरता नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर गठबंधन की जब बात हो रही है तो हमको समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मध्य प्रदेश सीटें कमी दी जा रही है, जिसकी यहाँ पर चर्चा हुई थी, बात हुई थी, मीटिंगों में हम गए, हमसे लंबी चर्चा हुई है और फिर यहाँ पर इस तरह व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा है किस तरह से जुबानी जंग यहाँ पर हुई थी कि सपा प्रमुख द्वारा को यहाँ बिल्कुल नेता भी बोल दिया गया था और ये भी कहा गया था कांग्रेस की आला कमान इनको ताकीद करे किस तरह के बयान ना दे। उसके बाद हमने देखा है कि फिलहाल दोनों के चेहरे नरम पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अजय राय ने माफी मंत्री जी भी कहा था कि हमको साथ रहना है, कांग्रेस को समर्थन करना है, तभी बीजेपी को हरा पाएंगे। उसके बाद से अखिलेश यादव के भी यहाँ जो फेवर है वो नरम पड़े हैं और यहाँ पर जिस तरह से मुलाकात का सिलसिला शुरू होने वाला है, यहाँ पर मुलाकात होगी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की प्रियंका गांधी वाड्रा से, तमाम इसके मायने भी है। हो सकता है इसको लेकर रणनीति भी बनाई जाए और हो सकता है कि ये भी कहा जाए कि भविष्य में इस तरह की बयानबाजी ना हो, इससे बीजेपी को लाभ मिले। देखिए शीट शेयरिंग से लेकर ये विवाद उठता है और अब ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम 80 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को लेकर तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि PDA के फॉर्मूले पर वो 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। देखिए नंदिनी, इसके अगर बात करें इस दुबारी देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब यहाँ पर घोसी और बागेश्वर करीब 5 जगह चुनाव हुआ था। घोसी में जब चुनाव जीता था वहां पर हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कांग्रेस वाले दलों ने यहाँ पर लिखित समर्थन दिया था और वहां कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। इसका लाभ वहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को मिला था, वो 11 वोटों के वहां पर जीत कराए थे। उसके बाद जिस तरह से हमने देखा है कि बागेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी है महज 1600 वोट से हार गया था। उसका कहा था कांग्रेस ने कहा था कि अगर वहां पर पार्टी तो ये वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं, कांग्रेस पार्टी वहां जीता थी क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगभग लगभग 2200 वोट वहां पर मिले थे। तो बागेश्वर की हार के खिलाफ अजय राय ने जिस तरह से कहा था कि जो नीति है वो बेकार है और सपा प्रमुख को यहाँ बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जब बड़ा दिल दिखाएंगे तभी चीजें आगे बेहतर होगी। और जिस तरह से उसके बाद से हम लगातार जुबानी जंग देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स कांग्रेस करके मध्यप्रदेश समाजवादी पार्टी को नहीं मिला था, उसके बाद से अखिलेश यादव लगातार नाराज चले आ रहे थे और उस दौरान भी हमने देखा कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा था कि 80 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और दौरान अखिलेश यादव का पहली बयान भी आया था कि उत्तर प्रदेश में सीट लेने वाले हैं, सीट देने वाले हैं। तो तल्खी लगातार बयानबाजी चलती बढ़ती रही, फिलहाल की तल्खी अब यहाँ पर कम नजर आ रही है। अब तल्खी कितनी कम होगी, कितना यहाँ पर जुड़ाव होगा और सीट शेयरिंग की बात बनेगी कि नहीं बनेगी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मध्य प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को यहाँ पर कांग्रेस सीट देगी या नहीं देगी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आज कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और अभी कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता का उनके पास मैसेज आया है और आगे की बातचीत की जा सकती है। तो क्या लगता है कि INTI गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? अब देखिए सब कुछ ठीक होगा और नंदिनी या नहीं होगा वो आने वाला समय बताएगा जी। और फिलहाल यहाँ पर माफी मांगने से और केवल जुबानी जंग मनोदे से काम नहीं करने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं उन प्रत्याशियों को यहाँ पर वापस करना, उनको मनाना, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सीटें मांगी थी
वहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मनाना कि ठीक है आप अन्य सीटें ले सकते हैं या उन सीटों पर अपने प्रत्याशी को वापस बुलाकर समाजवादी पार्टी को टिकट देना, ये महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर सामने आने वाला है। अगर रणनीति बनेगी, अगर वास्तव में बातचीत होगी तो इस मुद्दे पे भी होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर यहाँ पर आम सहमति बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि अगर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं उनको वापस करना यहाँ पर निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के लिए बड़ी बात होने वाली है। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी ने साफ सियासी संदेश दे दिया है कि अगर दिल्ली का रास्ता जाता है तो वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जरूरी होगा। बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रास्ता होकर जाना है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, जिसको 11 विधायक के साथ यहाँ पर सत्ता में आई थी। यहाँ पर जो विपक्ष की भूमिका है, यहाँ पर सरकार जनता ने उसको दिए, उसका यहाँ पर निश्चित रूप से हम देख रहे हैं। उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव समय समय मेहनत भी कर रहे हैं। उसके हमने ये भी देखा है कि सत्ता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में सत्ता की भूमिका यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से निभा रही है। तो यहाँ पर दोनों के बीच लगातार घमासान जारी है। पर यहाँ पर जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आगामी लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसकी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी गौरतलब होगा कि जो दल है, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे अन्य पार्टी है, उनको यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है, उनको यहाँ पर कितनी सीटों का समावेश बैठता है ये महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य विपक्ष की भूमिका है, समाजवादी पार्टी सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा वही करेगी और शायद सीटों को जो बांटने काम भी उसके द्वारा ही किया जाएगा। क्योंकि जो पार्टी जिस राज्य में अच्छी भूमिका में होती है, भूमिका में होती है, तो सीट निर्धारण का जिम्मेदारी इसी के हाथ होती है। अगर बिल देखिए, अगर अजय राय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए तमाम तरह की तैयारियां भी कर रहे हैं और अब तो कांग्रेस में कई नेता, विपक्ष के कई नेता शामिल भी हो गए हैं, तो क्या लगता है अजय राय जिस तरीके से अपने बेबाकी तरीके से हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को फायदा पहुंचने वाला है क्या आने वाले दिनों में? देखिए नंदिनी, अजय राय कितने सक्रिय है अभी तक उसकी सक्रियता हमको नजर नहीं आई है। केवल यहाँ पर दलित गौरव संवाद यात्रा यहाँ शुरू की गई, अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगी। इसके अलावा कोई बड़ा प्रदर्शन उनके द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। तो सक्रियता की बात करने के यहाँ जवानी दल की शुरुआत जरूर हो चुकी है, उनके समय समय पर बयान जरूर आते रहते हैं, बयानों के फिलहाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की खटास जरूर बढ़ी है। अब सक्रियता कितनी होने वाली है, कितना लाभ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, वो भविष्य गर्भ में निहित है। अगर सक्रियता की बात करें तो उसकी सक्रियता अभी तक नजर नहीं आई है। सक्रियता यहाँ पर अजय कुमार लल्लू की नजर आई थी, वो लगातार यहाँ पर सरकार के नाक बदम करके रखे हुए थे और लगातार संघर्ष भी कर रहे थे। फिलहाल वो संघर्ष अभी तक हमको कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने नहीं मिला है। वो संघर्ष की जरूर हम उम्मीद करते हैं कि अजय राय बड़े नेता है, अच्छे व्यक्तित्व है और समय समय जवानी जंग के माध्यम से वो विपक्ष को और साथ ही साथ सत्ता पक्ष को भी यहाँ पर आगाह करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उनका जो सक्रियता है वो महत्वपूर्ण है और सक्रियता जब सभी स्तर पर नजर आएगी तभी तो क्या भला होना हुआ, क्योंकि यहाँ पर केवल जवानी जंग से सक्रियता से कोई लाभ नहीं होने वाला। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच